बसमिल मैं गुलफाम चौधरी आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आज की वीडियो में हम सबसे पहले पाकिस्तान की इकनॉमिक सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त हमारे कौमी ख़जाने के अंदर यानी हमारे नेशनल बैंक के अंदर सिक्स मिलियन डॉलर्स बच गए हैं जिसमें से छः मिलियन डॉलर हमारे दोस्त ममालिक के हैं और बाकी जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें मुश्किल हम एक महीना चला सकेंगे और एक महीना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन यहाँ के हुक्मरानों की तरजीहत ये हैं कि सलमान शबाज़ की वापसी के लिए जो रास्ता हमवार किया गया जो उनको अदालत ने रिलीफ दिया यानी अगर हम देखें तो एक तरफ़ मुल्क के सबका प्राइम मिनिस्टर पर हमला होता है गोलियाँ लगती हैं और उन्हें वो सबूत दिखाने के लिए कि मुझे गोलियाँ लगी हैं अपने ज़ख्म दिखाने पड़ जाते हैं लेकिन उनकी एफ़ आई आर नहीं कटती दूसरी तरफ वो बंदा जो अदालत में पेश ही नहीं हुआ लेकिन उसको हिफाजती ज़मानत भी मिल जाती है और वो पाकिस्तान वापस भी आ रहा है इन्हें अब देखें कि इन लोगों ने इस चंद एक मखसूस तबके ने रजीम चेंज अप्रेशर में आने वालों और लाने वालों ने किस तरह पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को अपने पंजे में काबू कर रखा है किस तरह से वो फैसले लिख के देते हैं और किस तरह से वो हुक्म देते हैं किस फैसले को सुना दिया जाए इस बंदे को मुल्क से आने दिया जाए इन मुझे वो जनरल नदीम अंजुम का एक जुमला याद आ गया उन्होंने कहा अरशद शरीफ शहीद के हवाले से उन्होंने कहा जब वो मुल्क छोड़ रहे थे तो आप मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है कि हम चाहें और कोई मुल्क छोड़ हम चाहते हो कि यह मुल्क से ना जाए और वो चला जाए ये कैसे हो सकता है इट्स मीन डेट कि उनके कहने का मतलब ये था कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना तो कोई मुल्क छोड़ के जा सकता है और ना ही कोई मुल्क से वापस आ सकता है यानी अगर हम माजी में देखें तो मुशर्रफ के लिए नवाज गवर्नमेंट ने एक मुश्किल बना दी थी उनकी वापसी पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कहा जा रहा था कि शायद मुशरफ़ को वापस ना आने दिया जाए फिर हुक्म मिला नवाज शरीफ को उनका जिनके हुक्म पर वो सारी ज़िंदगी से सियासत करते आए हैं कि ना सिर्फ ट्वीट करो बल्कि परवेज़ मुशरफ़ को वेलकम करो तो उससे ट्वीट करवाया गया कि हम मुशर्रफ़ के लिए किसी किस्म की रुकावट हायल नहीं कर रहे वो जब चाहें आ जाएं वो पाकिस्तान आ जाएं हम कुछ भी नहीं कहेंगे तो भाई आपने क्या कहना है वो तो कहने वालों ने कहना है किसने पूछना है पूछने वालों ने पूछना है उन उन्होंने पूछना है जो आपको लाते हैं आपको भगाते हैं आपको बार बार इकतदार दिया फिर जिल्लत दी फिर जूते मारे इस मुल्क के केदार से निकाला और फिर से आप उन्हीं के साथ डील करके उसी तबके को फॉलो करके दोबारा इस इकतदार के रास्ते में आ जाते हो उन लोगों ने ट्वीट भी करवाया आप देखिए कि सलमान शहबाज की वापसी के हवाले से रास्ता बनाने के लिए एक नई ऑडियो लीक तैयार की गई और उस आडियो लीक को अपने मखसूस मीडिया ग्रुप को शेयर किया गया कि इसको फैला दो इस पर काम करो उन्होंने फिर अपना हक अदा किया अपना हक के मुलाजमत अदा करते हुए उन्होंने उसको वायरल किया और सारी आवाम की तोज् गड़ी पर लगा कर असल में वो जो इस मुल्क के सोलह अरब मनी लॉन्ड्रिंग का मुलिम और मौजूदा इम्पोट हकूमत जिसने पाकिस्तान की ख़ज़ाने को तकरीबन चालीस साल बर्बाद किया बतौर वज़ी अल भी करप्शन के केसेस बतौर वज़ी अजम भी करप्शन की यानी उनकी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क को बनाने की बजाय इस मुल्क को खाने पर लगी हुई है मगर कोई पूछने वाला नहीं और जिन्होंने पूछना होता है उनसे ख़ुद कोई पूछने वाला नहीं इस मुल्क में एक अजीब सिस्टम है बनाना रिपब्लिक है कोई पूछने वाला नहीं सब यही कहते हैं कि यह हिस्सा आपका है ये हिस्सा आपका है अपने अपने हिस्से दिए जाते हैं और खामोश करके करवा के बिठा दिया जाता है जिस तरह से साहब ने कहा कि मेरे पास मुशरफ मेरे साथ जरदारी साहब और शिवाज शरीफ साहब आए थे उन्होंने कहा था कि अपना हिस्सा ले लो और हमारे साथ इमरान खान की गवर्नमेंट गिराने में अपना रोल प्ले करो इट्स मीन दैट के हिस्से बांटे जाते हैं यानी इस मुल्क को कुर्बानी का बकरा समझा हुआ है कि इसको ज़िबा करो और अपना अपना हिस्सा सबको दे दो अजीब सा मजाक है जो इस मुल्क के साथ हो रहा है जब से सबका शिफ़र्मी साहब बाजवा साहब गए उन्होंने एक अजीब सी लॉबिंग शुरू की हुई है कभी उनका स्टेटमेंट आ जाता है कि खान साहब मुझे बॉस कहते थे कभी आ जाता है कि वो मैं उनको बॉस कहता था अजीब सी सूरत हाल है और अब भी वो मखसूस तबका जिनको उस वक्त लिफाफा दिया जाता था उस वक्त अकामा दिए जाते थे और मखसूस बयानी को प्रमोट करने के हवाले से कहा जाता था आज भी वो भाजपा की गुलामी कर रहे हैं आज भी वो जनरल भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं बशमूल परवेज़ इलाही और मुनस इलाही के वो ये लोग आज भी वफादार हैं तो उन्हीं के हैं जिनके सदक़े ये इकतदार में आए हैं अल्लाह पाक हमें वतन अजीज का वफादार बनाए अल्लाह पाक वतन अजीज की हिफाजत फरमाए पाकिस्तान Zindabad